मैंने रिसेंटली एक किताब पढ़ी, मेक टाइम बाय जेक नैप एंड जॉन ज़ेरैट्स्की। इस किताब में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो बताते हैं हाउ टू मैनेज आवर टाइम। उसमें से कुछ के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सो मेक टाइम सबसे पहली और सबसे जरूरी जिस चीज के बारे में बात करता है वो है दिन की हाईलाइट बनाना। देखिए, हम सब अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। बिजी होना आजकल फैशन भी हो गया है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का जीवन किसी ना किसी तरीके से व्यस्त चल ही रहा है। फॉर्चुनेटली इनाफ ये किताब जिन्होंने लिखी है वो भी गूगल में काम करते हैं, तो सोचिए वो कितने बिजी होंगे। एंड जब वो ये किताब लिख रहे थे तब उन्होंने बताया कि हाउ डिड दे मैनेज देयर टाइम, हमें उसको फॉलो करना है। अब देखिए, दिन में मेरे 50 टास्क हैं, मैं उन 50 टास्क की एक टू डू लिस्ट बना लेता हूं। उस टू डू लिस्ट में मैं टिक लगाता जाता हूं कि भाई ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टिक लगाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा काम होता जा रहा है, आई हैव थिंग्स टू डू एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दैट्स ऑल अ शैम। व्हाई? बिकॉज टू डू लिस्ट सक, एज इन उससे बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। इनफैक्ट हम प्रायोरिटाइज भी नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा नहीं। और इसीलिए मेक टाइम बुक ये कहती है कि अपने दिन की एक हाईलाइट चुन लीजिए। एक हाईलाइट आप कैसे चुनेंगे वो आपके ऊपर है, यू हैव एम्पल वेज ऑफ डूइंग दैट। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ने के लिए आप ये डिसाइड कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। क्या कुछ नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैं रिविजन में फंसा रहता हूं? क्या रिवाइज करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है? क्या टेस्ट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है? ऐसा एक हाईलाइट बना लीजिए। हाईलाइट बनाने के बाद उस हाईलाइट के लिए समय ब्लॉक कीजिए, अपना टाइम ब्लॉक कीजिए। किस तरीके से ब्लॉक करेंगे? अगेन देर आर मोर देन 100 मेथड्स दैट आर देयर। आप अपना टाइम ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? कई बच्चे डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करते हैं, मिनिमलिस्ट फोन की तरफ जाते हैं। कई बच्चे एक ऐसे एनवायरमेंट में जाते हैं जहां पर थोड़ा कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। मैं ऑन द अदर हैंड ये प्रेफर करता हूं कि मैं 2 घंटे अपना वो समय निकालूं और उस 2 घंटे के लिए मैं फोन भी साइलेंट कर दूं, गेट भी बंद कर दूं। वो 2 घंटे सिर्फ मैं, मेरी किताब, मेरा कमरा। उस समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। एवरीथिंग इज पोस्टपोन फॉर दोज 2 आवर्स। भूख भी लगेगी तो मैं उस 2 घंटे में कुछ नहीं करने वाला, उसके बाद या उसके पहले। ये 2 घंटे आप अपने लिए ब्लॉक कर सकते हैं फॉर दैट हाईलाइट। बाकी चीजें अपने लिए टाइम निकाल लेंगे। क्योंकि हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, इस वजह से हमारे बहुत सारे काम अटक जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। Now coming on to the second point from this book which I loved the most, and that was the might do list. To do list and might do list are very different. To do mandates you to do it. कहती है कि भाई ये सारे काम आज के हैं, नहीं हुए तो आपके दिमाग पे प्रेशर आता है कि यार आज के मेरे काम ही पूरे नहीं हुए, टू डू लिस्ट इतनी सारी बाकी है। मेक अ माइट डू लिस्ट कि हाँ अगर मेरे पास समय हुआ ये सब कर सकता हूं। इसमें एक फर्क बहुत छोटा सा है। आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि मेरे लिए क्या जरूरी है, उसको हाईलाइट बना लिया, उसके लिए टाइम ब्लॉक कर लिया और उसको इफेक्टिवली कर लिया। अब बाकी की चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपने माइट डू लिस्ट में डाल दिया। शब्द बदलने से माइंडसेट बदल जाता है। आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि हाँ ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट एज इंपॉर्टेंट। मुझे समय मिलेगा तो मैं इन पे भी फोकस कर लूंगा, राइट? ये माइट डू लिस्ट हमारी साइकोलॉजी से खेलती है और हमें ज्यादा समय अपने लिए और जरूरी चीजों के लिए निकालने में सहयोग करती है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। हमने इस बुक को इंटरनेट पर देखा था और उसके बाद ऑर्डर किया था। इनफैक्ट दीज पीपल आर अमेजिंग। मुझे इस बुक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता था अपनी एक स्पीच के लिए, तो मैंने इन लोगों को एक मेल भी डाला था एंड दे फॉर्चुनेटली इनफ दे रिप्लाइड। सो make time for what is important for you, make time for what you want to study, make time for your own health and make time so that your time is effectively utilized for your examinations. अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कोई और सवाल है तो हमसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, लेकिन इसको एक बार फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों से फॉलो करवाइए और फिर हमें बताइए कैसा रहा।